तो हेलो गाइस, बहुत लोग कहते हैं कि हमारी बिजी लाइफस्टाइल है, हमें जो हमारी जो मील्स रहती है तो वो हमें खाने के लिए टाइम नहीं मिलता है। हम ऑफिस में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, अभी स्कूल तो बंद है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो हमें टाइम नहीं मिलता है। तो गाइस, मैं आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन लाया हूँ। अगर आपकी कितनी भी बिजी लाइफस्टाइल है तो आप इसे स्नैक्स के टाइम यूज़ कर सकते हो, या फिर प्री वर्कआउट मील, अगर आपकी प्री वर्कआउट मील है तो आप उस टाइम इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी इजी है बनाना, भी काफ़ी इजी है। आप कहीं पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या फिर ऑफिस में हो, या फिर स्कूल कॉलेज, या फिर आप कहीं पे भी हो, तो आप इस मील को कभी भी यूज़ कर सकते हो। अब बस आपके साथ होना चाहिए ये राइस केक। तो ये मेरे पास एम्ब्रोसिया का राइस केक है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, पर लोग कहते हैं कि हमें राइस केक मिलता नहीं है इंडिया में। तो गाइज़, आपको अमेज़ॉन पे एम्ब्रोसिया के राइस केक मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे राइस केक है इनके। मैंने इसको यूज़ कर लिया है, मेरे पास ऑलरेडी 2-3 फ्लेवर के राइस केक है, तो मैंने उसको भी यूज़ किया है एम्ब्रोसिया के। तो उसकी अगर आपने वीडियो नहीं देखी, रागी राइस केक, तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएंगे, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़, इसे यूज़ करना भी काफ़ी ईजी है। आपको क्या करना है, सिर्फ इसके, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो या फिर मसल बिल्डिंग कर रहे हो, आपको इसके सिर्फ 1, 2, 3 आपकी जितने भी लिमिट है, अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो 45 आपके मैक्रोस के डिपेंड, मतलब आपके जितने मैक्रो है उसके हिसाब से ये कार्ब सोर्स है। काफ़ी सारे लोग इसमें प्रोटीन ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, पर गाइस ये प्रोटीन सोर्स नहीं है, ये हमारा एनर्जी सोर्स है, ये कार्बोहाइड्रेट कार्ब सोर्स है ये। तो आपको क्या करना है कि जब आप स्नैक्स टाइम हो आपका, तो आपको इसके साथ पीनट बटर लगाना है। अगर आप फ्रूट्स वगैरह आपके साथ कैरी करके ले जा सकते हो ऑफिस में वगैरह, बनाना एप्पल तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, एप्पल वगैरह आप लेके जा सकते हो, या फिर अभी मैंगो का सीज़न है, समर है, तो आप मैंगो लेके जा सकते हो। तो आपको क्या करना है, इसका आपको राइस केक लेना है, उसके ऊपर आपको पीनट बटर लगाना है, और आप चाहे तो इसके ऊपर फ्रूट्स या फिर हाई इन ओमेगा 3 जिसे फ्लैक्सीड कहते हो, तो आप इसके ऊपर फ्लैक्सीड भी थोड़ा डाल सकते हो, या फिर आप सिनेमन पाउडर भी थोड़ा इसके ऊपर डाल के खा सकते हो। तो इस टाइप से आपको यूज़ करना है। अगर गाइज इसकी न्यूट्रिशन की अगर बात करें, तो 1 राइस केक में सिर्फ 27 ग्राम कैलोरी है, बहुत ही लो इन कैलोरी है और काफ़ी अच्छी है। फैट लॉस कर रहे हो तो बेस्ट है हमारे लिए, और फैट 0.7 ना के बराबर इसमें फैट है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट 7 ग्राम, क्योंकि एक कार्ब सोर्स है, तो इसमें 7 ग्राम पर राइस केक में, इसमें 7 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और डाइट्री फाइबर 1 ग्राम, 1 राइस केक में आपको 1 ग्राम डाइट्री फाइबर मिल रहा है, और प्रोटीन 0.5 ग्राम इसमें प्रोटीन मिल रहा है। तो गाइस काफ़ी अच्छा है, और इसमें शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है। जब आप इसकी इंग्रेडिएंट्स चेक करोगे, किसी भी राइस केक का अगर आप इंग्रेडिएंट्स चेक करोगे, तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि इसमें वाइट शुगर यूज़ किया है। आप इसमें चेक कर सकते हो, मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, इसमें शुगर वगैरह कुछ भी ऐड किया हुआ नहीं है इन्होंने, और इसमें ये शुगर फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा वगैरह कुछ भी, नो प्रिजर्वेटिव इसमें कुछ भी ऐड किया हुआ नहीं है, और ये ऑर्गेनिक राइस से बना हुआ है। तो गाइस काफ़ी अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए, और इसके ब्रांड एम्बेसडर सुनील यादव सर है, और विक्रम यादव, रूबल धनकर, ये सारे इनके ब्रांड एम्बेसडर है। ये जल्दी एक्सपायर भी नहीं होता है, कम से कम 9 मंथ चलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 मंथ चलेगा, बहुत टाइम है। आप इसको मतलब बल्क में ऑर्डर करके, मतलब ज़्यादा ऑर्डर करके, मतलब 5, 6, 7 आपकी जितनी लिमिट है, आप आपके घर में स्टोर करके भी रख सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। आप जब कभी भी ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ये काफ़ी सारे बेनिफिट है इसके राइस केक के। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें मिलता नहीं है, तो गाइस मिलता है, हमारे इंडिया में मिलता है ये ऑर्गेनिक राइस केक है गोवा का। तो गाइस काफ़ी बेस्ट है ये राइस केक। आपको काफ़ी सारे राइस, मैंने ऑलरेडी 1-2 राइस केक टेस्ट किए हैं, पर इस राइस केक की जैसी टेस्ट किसी भी राइस केक की नहीं है। तो गाइस मैं आपको पीनट बटर के साथ लगा के आपको खा के दिखाता हूँ। तो गाइस ये है मेरे पास एम्ब्रोसिया का राइस केक, तो मैंने यहाँ पे 2 राइस केक यूज़ किए हैं, तो आप देख सकते हो कि इस टाइप से राइस केक है। तो गाइस तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पीनट बटर, तो ये मेरे पास अल्पिनो का पीनट बटर है। तो आपको क्या करना है कि इसके ऊपर थोड़ा पीनट बटर लगाना है, इस टाइप से आपको इसके ऊपर पीनट बटर लगाना है। आप चाहे तो चॉकलेटी पीनट बटर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरे पास नेचुरल क्रंच, हाँ नेचुरल पीनट बटर है क्रंची, तो आप इसके ऊपर अच्छे से आपको इसके ऊपर मिक्स करना है पीनट बटर। तो ये हो गया मिक्स, एक डन। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पीनट बटर, तो गाइस मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ फ्लैक्स सीड, आप यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो
हाई इन ओमेगा 3 है, हमारे हार्ट ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा है और हमारे स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो आप थोड़ा थोड़ा इस पे ऊपर फ्लैक्सीड यूज़ कर सकते हो या फिर आप चिया सीड भी यूज़ कर सकते हो। इस टाइप से इसके ऊपर थोड़ा डालना है। अगर आप फ्रूट्स अगर इसके ऊपर ऐड करोगे बनाना वगैरह तो खा सकते हो। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर ये हो गया हमारा, तो ये हो गई हमारी प्री वर्कआउट मील। तो मैं इसे जिम से जाने से 30 मिनट पहले यूज़ करूँगा। तो गाइस इस टाइप से आप राइस केक बना सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी एक बहुत सारी रेसिपी की वीडियो ऑलरेडी बनाई है, तो मैं इसे जल्दी खाना पड़ेगा नहीं तो इसका जो पीनट बटर है वो नीचे गिर जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। सप्लीमेंट खाइए, बॉडी बनाइए। जय बजरंगबली, जय हिंद।